myself Sonam Mankapur. I am basically from Gadag, Karnataka. I am a home baker. Since from childhood, I used to love teaching, and even today it's the same. So after marriage, I have started my baking career. So basically, मैं एक joint family से हूँ. मैंने कभी cooking में interest नहीं लिया, ना ही कभी kitchen में मैंने कभी interest लिया. So after marriage, I have seen कि सोलापुर में आने के बाद 2016 में मैंने जब देखा कि सोलापुर शहर में खाने पीने के काफ़ी शौकीन लोग हैं. सो ये देख के मैंने इसका एक एडवांटेज लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही था, एंड फैमिली का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था. सो मैंने सोचा कि एक बेकिंग का क्यों ना मैं स्टार्ट करूँ करियर, बेकिंग का, कुकिंग का, कुछ भी. सो मैंने केक से स्टार्ट किया, केक से शुरुआत किया, एंड मेरा केक का जो क्लासेस है बहुत अच्छे से चलने लगा. पहले मैंने ऑर्डर से स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली क्लासेस का जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सोलापुर में मुझे. सो ऐसे करते हुए मैंने आज 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. सो मैं सारे वुमन्स को ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप में एक बहुत इनबिल्ट टैलेंट रहता है, उसको आप स्कोप कीजिएगा. एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि घर बैठ के क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए. कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ रहता है, कुछ लोगों को खुद में एक कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, बहुत पावरफुल रहते फिर भी एक बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहता है. एंड आजकल की जो भी वुमन्स है ये काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है. एंड मैं तो कहती हूँ कि सारे वुमन्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहले का एक ज़माना था कि जो औरत है आदमी के ऊपर डिपेंड रहती थी, पर आजकल के ज़माने में ऐसे नहीं है. सारे जो वुमन्स हैं सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट है. तो ऐसे ही मैं आपको कहूँगी कि घर बैठ के भी आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो. जैसे कि मेरा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, मैंने घर बैठ के ही स्टार्ट किया है. नॉर्मली कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, मैंने क्लासेस का स्टार्ट किया है. आप ऑर्डर्स ले सकते हो. कुकिंग में आपका अगर बहुत अच्छा है, आपका स्वाद अच्छा है कुकिंग में, तो आप कुकिंग का वीडियोज़ अपलोड करके यूट्यूब चैनल बना सकते हो. आपका खुद का एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम. देखो पहले कैसे आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस को ये एडवर्टाइज करते थे, पर आजकल कैसे घर बैठ के आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो बहुत अच्छे से. एडवर्टाइज ये बहुत ही ईजी हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को. सो ये मैं कहना चाहूँगी घर बैठ के आप स्टार्ट कर सकते हो. आपको लगता होगा कि आजकल सारे काफ़ी ज़्यादा बेकरीज हो चुके हैं सोलापुर में, तो हमारे यहाँ पर क्यों लेंगे कस्टमर्स, हमसे क्यों लेंगे, घर से क्यों प्रिफर करेंगे. ये आपके पास प्लस पॉइंट हो कि होम बेकर्स जो है उनसे 100% आप देते हो. होम बेकर्स जो 100% एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए एक फ्रेशली होममेड केक बनाते हैं. कुछ लोग एग केक्स खाते, कुछ लोग एगलेस केक जो खाने वाले रहते हैं क्लाइंट, ये काफ़ी पर्टिकुलर रहते हैं कि उनको ऐसा ही केक चाहिए एंड प्योर हाइजीन चाहिए एंड एगलेस चाहिए. तो उसकी गारंटी आप दे सकते हो. जैसे कि बेकरीज में तो एगलेस बताया जाता है, पर एग का केक्स भी दिया जाता है. सो यहाँ पे आप अपना गारंटी दे सकते हो. अपना एक जो क्रिएटिविटी है अपने पेज में अपलोड करते जाना, उसको प्रमोट करते जाना, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्पांस आएगा. सो अगर आपको बेकिंग में बेकिंग का एक करियर स्टार्ट करना है, तो आपको एक अपना यूनिक स्टाइल दिखाना बहुत ज़रूरी है. आपको एक खुद, अभी देखो बेकरीज तो काफ़ी है, उनसे हटके आपको कुछ करना है तो ही आप एक कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो. जैसे कि आप हाईलाइट कर लो कि आपके होममेड फ्रेश एगलेस बेक्ड केक्स है, एंड उसका प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रेजेंटेशन का स्टाइल, पैकेजिंग बोलो, कुछ ना कुछ एक आप अट्रैक्ट कर सकते हो. जैसे कि आप बेकरी में देख सकते हो कवर्ड बॉक्स रहते हैं, उसमें से आपको केक दिखता नहीं. आप ऐसा यूनिक करो कि ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लेके आपके केक को, पैकेजिंग को आप हाईलाइट कर सकते हो. आपको खुद का एक लोगो बनाओ. जैसे कि मैंने सोनम सीएमई केक्स इस नाम से मैंने स्टार्ट किया है मेरा फेसबुक पेज, मेरा नाम ही रखा है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना नाम एक होगा तो एक हमारा एक अच्छा पहचान होता है. आप भी अपना नाम से शुरुआत कर सकते हो. बहुत ही सिंपल नाम है सोनम सेमी केक्स. आपको लगता होगा कि यही क्यों चुना है. वैसे तो मैं सिर्फ केक्स का नहीं करती हूँ, बाकी सारे कुकिंग का भी लेती हूँ. केक्स को ही मैंने हाईलाइट किया क्योंकि केक एक ऐसी चीज़ है कि आप सारे ओकेशंस में, लाइक जो भी खुशी का ओकेशंस रहता है, सक्सेसफुल इवेंट्स हो, बर्थडेज हो, कुछ भी हो, आप सेलिब्रेट करते हैं, केक लगता ही ऑलमोस्ट. सो आजकल ये बहुत कंपल्सन हो चुका है, हर एक होम मेकर्स जो है होम बेकर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. एंड आफ्टर द पैंडमिक सिचुएशन 2020 में, जो कोविड का जो पैंडमिक सिचुएशन चल रहा था, तब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया.
बहुत सारे होम मेकर्स को मैंने होम बेकर्स में कन्वर्ट किया है एंड उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ऑनलाइन क्लासेस लेके घर बैठ के उन्होंने अपना एक क्लास स्टार्ट किया, बहुत अच्छे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपका जो भी टैलेंट है उसको आप बाहर निकालो एंड प्लीज़ ट्राई टू शो योर टैलेंट एंड आपके खुद न खुद चालू करो। थैंक यू म्यूज़िक आर्ट डांस एकेडमी फॉर नॉमिनेटिंग मी फॉर दिस वंडर वुमन अवार्ड। यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर मोटिवेटिंग ऑल द वुमन्स एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग अ गुड चेंज इन आवर सोसाइटी। थैंक यू सो मच।